सो यूपीएससी की एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट वन है जिसमें आपका स्वागत है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम एक पार्ट्स के अंदर 15 एमसीक्यू रखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अपने प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, सो उसके लिए उतने एमसीक्यू की सीरीज निकालते जाएंगे। तो आप सारा वीडियोज़ देखिएगा, मतलब कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के रूप में आपको दिखाया जाएगा। तो आप साइड में दिख रही होगी आपको प्लेलिस्ट, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख लीजिएगा ताकि आपको एक ही सीक्वेंस में पूरा का पूरा एमसीक्यू का प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो सके। सो हम कुछ इस तरह से अभी के लिए करते हैं कि आपको ज़्यादा ऑप्शन जो ऑप्शन रहते हैं उसके रिगार्डिंग नहीं, लेकिन हम एक ही चीज़ में फोकस करते हैं जो कि है आंसर। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन ऑफ स्टेट्स डिफाइन किया है इंडिया को, तो यूनियन ऑफ इंडिया में किस चीज़ का समावेश होता है। तो सिंपल चीज़ है कि स्टेट का ही समावेश होता है, तो आप इसका आंसर है स्टेट। आप चेक कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप दूसरे ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। तो अभी एक दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 81 इन द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स GCPI, जो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सो इसके रिगार्डिंग कौन सी चीज़ करेक्ट है? तो अब इन दोनों में से एक भी चीज़ करेक्ट नहीं है। तो जैसे कि पहली जो चीज़ है कि ये जो MNST इंटरनेशनल नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको रिलीज किया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने बताया कि 0 से 100, तो 0 वेरी क्लीन है, 100 हाई करप्ट है, लेकिन पूरा का पूरा उल्टा है ओरिजिनल में कि 0 मतलब कि पूरा का पूरा करप्ट है और 100 मतलब कि पूरा का पूरा क्लीन है। तो उस तरह से ये दोनों ऑप्शन गलत है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज फॉर्म टू एग्जामाइन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इसमें आपको बता दो कि जो पहला वाला है धार कमीशन जो नहीं लिया गया था, उसके अलावा राजमनार कमीशन, पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, ये तीन कमीशन, उसके साथ दूसरे भी कमीशन्स होते हैं जो सरकार ने बनाए थे सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। तो सिर्फ ये तीन कमीशन ही, इसके अलावा दूसरे भी कमीशन्स है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट का कौन सा फीचर था? तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट थे, उन्होंने सारे तरह के फीचर्स अचीव किए थे। सो ड्यूअल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकामेरियल लेजिस्लेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिलेक्टेड। सो ये सब चीज़ का उन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट ने सारी चीज़ इंक्लूड की रखी थी अपने फीचर्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज डिस्क्राइब एज द इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। सो इसमें से कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है इस चीज़ को? तो इस चीज़ को सपोर्ट करती है द पार्लियामेंट कैन रिड्रो द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। मतलब कि जो पार्लियामेंट है हमारी, वही जो इंडिया का मैप है उसको रिड्रॉ कर सकती है। कोई स्टेट की ऐसी परमिशन नहीं है कि वो अपने स्टेट को एक्सपांड कर सके। सो ये सब चीज़ बेसिक सी चीज़ है जो मतलब इंडिया के अंदर ही वही चीज़ इंडिया ही तय कर सकती है कि नया स्टेट कौन सा बनना चाहिए। जो पार्लियामेंट है वही तय कर सकती है, और कोई नहीं तय कर सकता उस चीज़ को। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड विथ देयर चेयरमैन। सो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, तो एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी रहेगा कि जो सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो स्टेट कमेटी सरदार पटेल ने नहीं बनाई थी, ये गलत है कि सरदार पटेल ने स्टेट कमेटी के नहीं थे वो चेयरमैन। सो अगर आपको कहीं पे भी ये ऑप्शन आए तो बेसिक सा है कि उसको आप निगलेक्ट कीजिएगा। सो आपको UPSC में डिसाइड करना है कि वो राइट इन्फॉर्मेशन भी क्या है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी क्या है। सो ये जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें UPSC दिखाने का ट्राई करेगा ये बिल्कुल। तो राइट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द सिटीजन राइट टू असेंबली, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दैट। सो जो आपको सिटीजन राइट दिए हैं टू असेंबली, सो उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है, जैसे कि एवरी सिटीजन हैड राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एंड सेकंड है सिटीजन हैज राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेसन। सो ये दोनों आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, वो आपको क्वेश्चन UPSC में आ सकता है।
क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी इज और आर करेक्ट। सो नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है? सो जो ऊपर लिखे हुए हैं आर्टिकल 359 और जो आर्टिकल 2021, वो दोनों के दोनों इस चीज को रिलेट नहीं करते हैं। सो नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। सो उसके रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया है, इसके रिगार्डिंग इट वॉज द सोवरेजन बॉडी, इट एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एज वेल एज द लेजिस्लेटर, इट रेक्टिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। सो ये जो ऊपर की चीज़ें हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये चीज़ों के रिगार्डिंग सारे के सारी चीज़ उसके रिलेटेड है उसने कर रखी है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है हमारी, सो वो जब बनी थी तब से लेके आज तक उन्होंने ये चीज़ें उनके कवर होती है। मतलब कि जैसे कि बोल दो कि एक इंसान है, उसने पूरी ज़िंदगी में कुछ किया होता है, तो अगर बता सकते हैं कि राम और श्याम दोनों हैं, तो राम ने किया है, श्याम ने वो चीज़ नहीं की है, तो इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इतनी चीज़ें जब से बनी तब तक में ये चीज़ उसके कवर होती है, इसके रिलेटेड ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि स्विफ्ट का पूरा नाम है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट आपको सुटेबल रखता है वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो उसमें से सुटेबल है पहला और तीसरा, कि इट्स अ मैसेजिंग सिस्टम यूज्ड बाय द बैंक द वर्ल्ड ओवर टू सेंड इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन द एनक्रिप्टेड फॉर्मेट थ्रू अ सिक्योर चैनल। एंड दूसरा जो सेंटेंस है जो सही है, कि उसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में आया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो उसके रिगार्डिंग भी आपको दो स्टेटमेंट मिलते हैं, कि जो द डिटेक्शन कांट एग्जिस्ट 3 मंथ अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशियंट कॉज ऑफ डिटेंशन। डिटेनो इज अलाउड टू द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। सो ये दोनों हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ये दोनों करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ जो सेकंड वन है वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सो मेक श्योर कि आपको सब चीज़ ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो उसके रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो ये आपको पता होगा, इस चीज़ के रिगार्डिंग ही जो भी अपना गवर्नमेंट और वगैरह का होता है वो आपको उसके रिगार्डिंग ही देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रीएम्बल प्रोमिसेस जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सो व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इज प्रोमिस इन द प्रीएम्बल। सो उसके लिए आपको सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये 3 टाइप के जस्टिस है जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोमिसेस किए गए हैं। सो प्रीएम्बल क्या होता है, कि प्रीएम्बल हमारा जो बंधारण है, संविधान है, उसका जो स्टार्टिंग का जो होता है वो प्रीएम्बल है। क्वेश्चन 14, अ न्यू क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक्स कॉल्ड मेलेसिडिन्स हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस ड्रग। सो ड्रग के रिगार्डिंग ये जो सेंटेंस आपको बताया गया है, जो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है दोनों की दोनों, तो आप ध्यान रख लीजिए वीडियो को पॉज करके, कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनाइजम लिविंग इन द सोइल एंड डर्ट, दे आर एक्टिव अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेसिडेंस पैथोजेंस। सो ये दोनों के दोनों करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। जो आपका जो ड्रग है वो वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए और उसके साथ गूगल में भी सर्च कर लीजिए, तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि आपका जो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सो वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांग्रेस, जिसका नाम है विच, जो 2018 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल बी होस्टिंग इट सिंस इज इंसेप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द विट्स। सो कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है? सो स्टेटमेंट करेक्ट है कि इट्स एम प्रोवाइडेड सिंगल प्लेटफॉर्म टू द आईटी एक्सपर्ट पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टूगेदर टू डिस्कस वेरियस चैलेंजेस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस टू देम। सो ये आप एक बार विट्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो किस तरह की हर बार डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरह का मतलब कुछ आईटी का करार किया जाता है, कोई भी चीज़, तो वो आप चेक कर सकते हो और उसके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि 2016 का चेक कर लो आप, एक्स्ट्रा जो भी है आप चेक कर लो विट्स का, तो आपको उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बेहतरीन तरीके से मिल सकती है। और इसी के साथ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग वीडियोज़।
and we are helping like that. And comment down below for your better suggestions. We will definitely improve on that. And thank you so much. And happy journey for your UPSC. Thank you. So UPSC की MCQ series का ये part 1 है जिसमें आपका स्वागत है. हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम एक part के अंदर 15 MCQ रखेंगे जो कि most important है. तो ऐसे हम जितने भी most important question होते हैं अपने prelims परीक्षा के लिए, so उसके लिए उतने MCQ की series निकालते जाएंगे. तो आप सारा videos देखिएगा, मतलब कि पूरी की पूरी playlist के रूप में आपको दिखाया जाएगा. तो आप साइड में दिख रही होगी आपको प्लेलिस्ट, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख लीजिएगा ताकि आपको एक ही सीक्वेंस में पूरा का पूरा एमसीक्यू का प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो सके. सो हम कुछ इस तरह से अभी के लिए करते हैं कि आपको ज़्यादा ऑप्शन जो ऑप्शन रहते हैं उसके रिगार्डिंग नहीं, लेकिन हम एक ही चीज़ में फोकस करते हैं जो कि है आंसर. तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन ऑफ स्टेट्स डिफाइन किया है इंडिया को, तो यूनियन ऑफ इंडिया में किस. मॉर्निंग गाइस, यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है. सो इसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लिए हैं जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया था. सो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 में कि द टर्म फ्रेटर्निटी इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसका आंसर है कि जो ऊपर दिए गए ऑप्शन जैसे कि स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड अमंग ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, इट एज योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इट एज योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. सो ये सारे के सारे आंसर्स करेक्ट है. आप वीडियो को पॉज करके आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो ऊपर के दो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है. इट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, एंड सेकंड वन इज इट क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स. सो ये दोनों के दोनों आंसर्स करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन फॉर द सेम. सो उसके रिगार्डिंग कौन सी चीज करेक्ट है. सो उसमें 1 और 2, सो रिजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 of members present and voting, and second one is the resolution remain in force for 1 year and after that it has been renewed. So ये दोनों की दोनों चीज correct है question number 3 में. Question number 4, which of the following statement are correct regarding the Indian judiciary. So उसमें दो sentence बोलता हूँ, दोनों के दोनों correct है. So आप match करिएगा अगर आपके exam में पूछ लिया तो. Indian judiciary system is integrated as well as the independent, and second one is single system of courts and force both the central laws as well as the state laws. सो ये इंडियन जुडिशरी के हिसाब से दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज फर्स्ट एवर रेडियो फेस्टिवल वॉज हेल्ड रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. सो कहाँ पे हुआ था रेडियो फेस्टिवल, तो ये हुआ था दिल्ली में. सो ये भी आपको करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आपको शायद याद होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको प्रीलिम्स में आ सकती है. थैंक यू सो मच. मॉर्निंग गाइस, यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है. सो इसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लिए हैं जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया था. सो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 में कि द टर्म फ्रेटर्निटी इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसका आंसर है कि जो ऊपर दिए गए ऑप्शन जैसे कि स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड अमंग ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, इट एज योर डिग्निटी. क्वेश्चन नंबर 6, द ग्लोबल एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस सर्वेलेंस सिस्टम ग्लास इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल डेटा शेयरिंग ऑन एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंट वर्ल्ड वाइड. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड इट. सो इसका आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया. सो क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है द पर्सन शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. सो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस अगर मैच होते हैं तभी वो बंदा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उसको कंटेस्टेंट माना जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368. सो आप देख सकते हो कि अभी आपको तीन ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, वीडियो को पॉज कर दीजिए. ये तीनों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है. Question number 9. Which of the following rights have been bought under the ambit of Article 21?
सो आर्टिकल 21 के अंडर आप राइट्स चेक कर लीजिए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये चार राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं? प्राइवेसी, फ्री लीगल एड, ट्रैवल अब्रॉड एंड इन्फॉर्मेशन, ये चारों आर्टिकल 21 के अंदर कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स एंड द गवर्नर। सो अगर आपने अच्छे से किताब पढ़ी होगी पॉलिटी वाली तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। कोई बात नहीं, आंसर है दोनों के दोनों दिए गए ऑप्शन, जो कि द प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शियल वाइल द गवर्नर कांट, एंड सेकंड है द प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कांट। सो ये दो चीजें जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सेक्युलरिज्म आर करेक्ट। सो उसके रिगार्डिंग जो आपको करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, सो करेक्ट आंसर है जो रिलेटेड करता है इंडियन की जो सेक्युलरिज्म के साथ, सो देयर इज अ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि आपको पता होगा कि कोई भी स्टेट में कोई एक ही धर्म का बंदा नहीं रहता है। स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सो ये दोनों ऑप्शन है जो आपको सही है, और उसके साथ तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए जो अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन में वो सही नहीं है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स। सो इंडियन सिटीजन्स का जो फंडामेंटल राइट रहता है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो सारे हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, सो इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। सो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, इसका आंसर है। सो जो स्टेट के बाद स्टेट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन मेंटेन होती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो जवाब है उसका आंसर है वो आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक हैज डेवलप्ड अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन दर्शक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन। सो ये चीज इज और आर आपको कंफ्यूज करने के लिए रहती है कि एक ऑप्शन या दो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। सो इसमें आपको जो दोनों ऑप्शन दिए गए कि पहला वाला है कि इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द म्यूजियम विजिट एक्सपीरियंस अमंग द डिफरेंटली एबल्ड, एंड सेकंड वन इज इट अलाउड अ रियल टाइम म्यूजियम विजिटर गेदर ऑल द डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स सिंपली बाय स्कैनिंग अ QR कोड प्लेस नियर द ऑब्जेक्ट। सो अभी के जो लेटेस्ट आप टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखते होंगे उसमें भी आप ये चीज देखते ही होंगे इंप्लीमेंट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलाइज्ड अनटचेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 17 इज ऑर करेक्ट। सो अगेन कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन है। सो उसका आंसर है कि इट डज नॉट इंक्लूड अ सोशल बॉयकॉट ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स और दे आर एक्सक्लूसिव फ्रॉम रिलीजियस सेरेमनीज। सो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि इट क्लियरली डिफाइन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, वो सिमिलर लगता है लेकिन वो आंसर नहीं है, आपको वो चीज भी देखनी है। तो इस तरह से आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीलिम्स में कि जो करेक्ट लगते हैं लेकिन वो है नहीं, तो वो आपको चेक करके पूरा का पूरा नॉलेज लेके ही प्रीलिम्स देनी है। और डरिए मत, ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिलेबस को देखिए और फोकस करिए। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, यू आर ऑसम, स्टे पॉजिटिव और लाइक करें, अपना कॉमेंट नीचे बताइए और थोड़ी बहुत अच्छी सी जानकारी भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी कमेंट्स को पढ़ सके। और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए मैक्सिमम अपने UPSC फ्रेंड्स के साथ, और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। सो आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 3 UPSC MCQ सीरीज का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सीरीज है जो आपके लिए। सो इसमें भी 15 क्वेश्चन है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंस कमीशन अंडर द आर्टिकल 280, सो विच ऑफ द फॉलोइंग statements regarding the finance commission are correct. So option 1 and 2 dono ke dono correct hai, kyunki jo aap dekh sakte ho it is constituted by the president every 5th year or even earlier, and second one is recommended for distribution of tax between center and state. So question number 1 ka jo third option hai wo uske regarding nahi hai, so aap check kar lijiyega video pause karne ke baad taki aapko koi bhi tarah ka confusion na rahe apne prelims lene ke time pe. Question number 2, which of the following commissions accepted language as the basis for reorganization of the states. So ek commission bithaya gaya tha jiska naam tha Fazal Ali commission, jinhone language ke base par
जो स्टेट्स है उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंटली डिफाइंस वीएन टाइम्स विजन। सो इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर जापान डिफेंस कोऑपरेशन विद एशियन। क्वेश्चन नंबर 4, द 9th जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड डिक्लेयर्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू एससी, राइट टू प्राइवेसी इज अन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो राइट टू प्राइवेसी मीन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल टू सेटल महेंडी वाटर डिस्प्यूट। सो द डिस्प्यूट इज बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में डिस्प्यूट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप इन इंडिया। सो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोनों के दोनों, वो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं, जिसमें आपको पहले पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ताकि आपसे कोई भी तरह की मिस्टेक ना हो प्रीलिम्स देने के टाइम पे। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स बोर्न इन इंडिया गेट इंडियन सिटीजनशिप, एंड द सेकंड वन है अ चाइल्ड बोर्न इन 2018 आउटसाइड इंडिया विल गेट इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली बाय डिसेंट इफ बोथ इट्स पेरेंट्स आर इंडियन। सो ये दोनों के दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सेकंड, प्रिवेंशन फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव पेनल्टीज इज देयर ओनली इन केस ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस एंड नॉट इन द सिविल केस, एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग। सो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको एज अ इन्फॉर्मेशन स्टोर करिए, ताकि आपको इसी के रिगार्डिंग ट्विस्ट करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। सो लॉर्ड मिंटो है जिन्होंने फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जा रहा है, कि जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ का स्टार्टिंग किया था कम्युनल इलेक्टोरेट का। जो आप चेक कीजिएगा, या हिंदू मुस्लिम एंड सिख ईसाई सब तरह के रिलीजन को लेके उन्होंने एक जंग छेड़ी थी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपीज आर सोशलिस्ट इन नेचर। सो टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। ये दोनों जो डीपीएसपी है, सो सोशलिस्ट है, जो कि अपने पूरी की पूरी सिस्टम में बाय नेचर। क्वेश्चन नंबर 10 के और बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटो पावर इज नॉट एंजॉय बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो क्वालिफाइड वेटो अवेलेबल ही नहीं, वो चीज़ वेटो पावर कौन सा है जो नॉट एंजॉय बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्वालिफाइड है वेटो। सो वो रिलेटेड ही नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो आप देख सकते हैं ऊपर के तीनों ऑप्शन में बोल लेता हूँ कि तीनों के तीनों सही हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू राइट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एफआईआर्स, व्हाइल द हाई कोर्ट कैन इश्यू राइट्स फॉर अदर पर्पस आल्सो। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू राइट्स थ्रू आउट द कंट्री, व्हाइल द हाई कोर्ट कैन इश्यू राइट्स ओनली इन इट्स स्टेट। सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स राइट ज्यूरिसडिक्शन, व्हाइल द हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज। सो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर। जो डेप्यूटी स्पीकर है उनको बोल के, उनको राइट करके वो रिजिग्नेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट जो हम बोलते हैं उसके रिगार्डिंग मैं तीन स्टेटमेंट आपको बोलता हूँ, तीनों के तीनों करेक्ट है। आप रिमेंबर कर लीजिएगा, दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, सो दे पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी। Aggrieved can directly go to the Supreme Court if these rights are violated. And third one is FRs can't be amended by the Parliament. So, tino ke tino sahi answer hai. Question number 14, Central Government has started a new scheme named Atal Bhujal Yojana. So, which of the following statement are correct, is or are correct regarding this scheme, is or are correct? सो आपको दो सेंटेंस अभी दिए गए हैं, उसमें से जो दूसरा है जो करेक्ट है, जो है कि हाफ ऑफ द कॉस्ट विल फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक थ्रू लोन एंड 50% विल बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो अटल भूजल योजना है तो उसमें 50% जो वर्ल्ड बैंक है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी,
ऑलमोस्ट बिल्डअप हो चुकी है. सो उसके जो चार नीचे के ऑप्शन, चार चीज इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनमें से करेक्ट इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कीजिए. तो चारों के चारों सही है, जिसमें इंक्लूड होता है कि फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर, ये सब चीज इंक्लूडेड थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. सो ये सब खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस. हमारी ये फोर्थ वीडियो भी नेक्स्ट आएगा. सो लाइक करिए, कमेंट करिए अपने सुझाव, और शेयर कीजिएगा अपने यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ, और स्टे पॉजिटिव. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग वीडियोज. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस फ्रेंड्स. तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 3 यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है जो आपके लिए. सो इसमें भी 15 क्वेश्चन है. सो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंस कमीशन अंडर द आर्टिकल 280. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन आर करेक्ट. सो ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों के दोनों करेक्ट है, क्योंकि जो आप देख सकते हो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी फिफ्थ ईयर और इवन अर्लियर. एंड सेकंड वन इज रिकमेंडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड ऑप्शन है वो उसके रिगार्डिंग नहीं है. सो आप चेक कर लीजिएगा वीडियो पॉज करने के बाद, ताकि आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे अपने फीलिंग्स के टाइम पे. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. सो एक कमीशन बिठाया गया था जिसका नाम था फजल अली कमीशन, जिन्होंने लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट्स है उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया था. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंटली डिफाइंस वीएन टाइम्स विजन. सो इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर जापान डिफेंस कोऑपरेशन विद एशियन. क्वेश्चन नंबर 4, द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड डिक्लेयर्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अकॉर्डिंग टू एससी, राइट टू प्राइवेसी इज अन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड. हेलो गाइस, दिस इज यश from Keshwai Productions. We are here with our new MCQ series, and here's our question number 1. Which of the following countries is not part of the Quad? मतलब इनमें से कौन सा देश है जो Quad का part नहीं है. जैसा कि आप जानते हैं Quad यानी कि India, USA, Japan और Australia. तो इसमें एक option है Russia. तो वो option गलत है. तो मतलब रशिया क्वेड का पार्ट नहीं है. ये क्वेड जो है वो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए एक फोर्स बनाई गई है इन सभी देशों के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया. मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के साथ ताल्लुक रखता है. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री हैं, हाँ या ना? वो ऐसे हैं कि उनका क्वालिफिकेशन उतना होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है उसके जितना होना चाहिए. तो हाँ, ये है, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी हैं. और थर्ड ऑप्शन है, ही कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये गलत ऑप्शन है. आप उन्हें ऐसे नहीं कर सकते. उनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही उनके ऑफिस से रिमूव कर सकता है. जनरली ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ. सो राइट आंसर इज ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री एंड ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू वोट है जो, वो इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर वो क्या है? नेचुरल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या लीगल राइट है? वो एक्चुअली लीगल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 54 जो है वो मेंशन करता है कि वो राइट टू वोट है, वो लीगल राइट है. उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर देखना होगा, और वो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए होता है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010. ये जो एक एक्ट है जो 2010 में आया था, उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट है, और आपको देखना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट है या फिर फॉल्स है. ये जो एक्ट है वो ऑल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है पूरे देश के अंदर, मिलिट्री के सिवा, उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, और एक सेट होता है गाइडलाइंस के तहत, उस स्टैंडर्ड होता है, उसका सेट करना पड़ता है कॉमन डिजीज और कंडीशंस के लिए. तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल यूनियन एंड स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट. ये गलत है. ये इसमें क्या है कि जो भी स्टेट अपनी मर्जी से इसे लागू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को करना ही पड़ेगा. और थर्ड पॉइंट है, विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बोथ थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक टाइप्स. हाँ, ये बिल्कुल है कि दोनों को ही अप्लाई होता है. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला थेरापेटिक रहेगा या फिर डायग्नोस्टिक नहीं रहेगा, दोनों को रहेगा ये. तो हाँ, 1 और 3 दोनों को रहेगा ये.
अब नेक्स्ट एयोन्स एरास पीरियड्स इपोच और एजेस ये है क्या एक्चुअली आपने देखा होगा हिस्ट्री के अंदर एजेस पीरियड्स एरास तो ये है क्या वो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है मतलब ये हम किसी सेट ऑफ टाइम को हिस्ट्री के अंदर डिफाइन करने के लिए ये सब बताते हैं तो फिर इसके लिए कोई ग्लोबल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सभी के लिए कि ये क्या करती है ये टाइम मतलब फिर अगर कोई ग्लोबल बॉडी ही नहीं रहेगी हमारे यहाँ तो करेगा क्या कोई इंडिया का कोई अलग से टाइम स्टैंडर्ड रहेगा फिर यूएसए का अलग से रहेगा तो ऐसा ना हो इसलिए पूरे वर्ल्ड की हमारी ग्लोबल बॉडी है जो एक स्टैंडर्ड को सेट करती है तो बॉडी का नाम क्या है बॉडी का नाम है इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्टैटिग्राफी ये है वो बॉडी एक्चुअली तो उसका क्योंकि बेलेनो अर्थ एंड साइंसेस ये बॉडी है नहीं एनिकलोग्राफी को ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटर स्टेट काउंसिल इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हाँ ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इट इन एनी केस ऑफ लीगल कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट्स द डिसीजन ऑफ काउंसिल इज फाइनल एंड बाइंडिंग ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हाँ काउंसिल एडवाइस दे सकती है लेकिन वो सिर्फ एक एडवाइस है मानना ना मानना वो दोनों स्टेट्स के आपस का मामला है तो फिर ये गलत स्टेटमेंट है कि वो फाइनल है और बाइंडिंग है और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द क्रिएशन ऑफ ओनली पैन इंडिया काउंसिल नॉट रीजनल काउंसिल तो ये भी गलत स्टेटमेंट है ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही काउंसिल को पैन इंडिया वाला करता है नहीं ऐसा रीजनल काउंसिल्स भी हैं हमारे पास अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मतलब कि कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन ओरिजिनली नहीं है द डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स फिर डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट तो आपको ये देखना है कि क्या है तो फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन लागू इतना नहीं होते हैं और क्योंकि डिस्प्यूट अराउंड बिटवीन टू स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है और उसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग रहता है लेकिन जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसमें वो एकदम ओरिजिनल उनका नहीं रहता वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद हैज गिवन एक एपेलेट कहा है कि जिसमें ज्यूरिडिक्शन ऐसे मैटर्स पर होता है और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी जो है उसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली जज नहीं करता है नाउ रिसिप्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डज नॉट फॉर्म अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर एस इनमें से कौन सा है जो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू सेंटर का है वो नहीं है तो देखिए बैंकिंग है बैंकिंग तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक अच्छा खासा सोर्स हो सकता है रेलवेज भी है करेंसी और कॉइनेज भी है तो बचा है फॉरेस्ट ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है फिर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डज नॉट एक्सटेंड टू फॉलोइंग ऑल इंडिया सर्विसेज सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विस सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट और सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर तो इसमें से देखिए ऑल इंडिया सर्विस मतलब यूपीएससी का ही आता है तो वो तो कैट लागू कर होता है हमारे यहाँ सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज उन पर भी कैट लागू होता है क्योंकि सिविलियन एम्प्लॉयज हैं वो और सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर उनमें भी ये लागू होता है तो सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द जो पार्लियामेंट है उन पर ये कैट लागू नहीं होता ना ही सर्वेंट जो सुप्रीम कोर्ट के कोई सर्वेंट है ऑफिसर्स है उन पर ये लागू होता है तो हमारा आंसर था सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट अब खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंडर रेफरेंस में तीन स्टेटमेंट हैं उनमें से कौन सा है जो मीट करता है रिक्वायरमेंट्स को तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज की दूसरा स्टेटमेंट उसका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना रूरल एरियाज में और तीसरा स्टेटमेंट ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है विलेज इंडस्ट्रीज को तो इनमें से जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों करेक्ट हैं कई बार ऐसा नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता कि तीनों करेक्ट हैं हमेशा नहीं भी होता कि तीनों करेक्ट नहीं भी हैं लेकिन कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें से दो या तीन हो सकते हैं कि करेक्ट हो जाए अब लोकसभा के स्पीकर के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो वो देखते हैं हम ही होल्ड्स अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई होता है या नहीं होता है आप सोचिए तब तक मैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ही कैनॉट वोट इन द हाउस वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन इन द हाउस और ही रिमेन्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा
सो द थर्ड स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा कि जब तक कोई नई लोकसभा नहीं आ जाती तब तक वो ऑफिस में रहता है, भले ही पुरानी लोकसभा को डिसॉल्व कर लिया गया हो। और इन केस ऑफ टाई उसका वोट सबसे इंपॉर्टेंट कास्टिंग वोट रहता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो आंसर्स है 1 and 3। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रिसेंटली अ डिसीजन टुक बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग प्राइसेस ऑफ द कोरोनरी स्टेंट्स अंडर द कंट्रोल हैज क्रिएटेड द शॉक वेव्स अबाउट मेडिकल कम्युनिटी। ऐसा कौन सा विच अथॉरिटी है जो ये मैंडेट करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया में, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो ये करती है? मतलब इस क्वेश्चन को आप समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टेंट होते हैं जो हमारे हार्ट में लगाए जाते हैं शरीर के अंदर, उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक डिसीजन लिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे क्या है पूरी मेडिकल कम्युनिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ा शॉक लग गया था। तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो इन सभी की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कंट्रोल करती हैं? तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कंट्रोल कौन करती है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये है क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है, और वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। हाँ थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन यही है कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही फार्मास्यूटिकल्स हमारे यहाँ आता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो दीज आर इंस्पायर्ड बाय जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन सिटीजंस, बिल्कुल हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज तो सिर्फ सिटीजंस के यहाँ होती है। और अनलाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दीज आर नॉन जस्टिसेबल, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली टू, यानी कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसेबल है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल है कि सिटीजन्स के ऊपर ही लागू पड़ता है। मतलब कोई फॉरेनर आएगा और आप ये नहीं कह सकते दीज आर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज, वो सिर्फ इंडियंस पर ही लागू पड़ेंगी, इवन NRIs पर भी नहीं लागू पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मिलान एक्सरसाइज? एक्चुअली एक एक्सरसाइज है जो हर साल इंडिया ऑर्गेनाइज करता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 तो बेसिकली वही है कि इट इज ऑर्गेनाइज एट अंडमान निकोबार। नाउ अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इट इज कंग्रेजेशन ऑफ लिटरल नेवीज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। हाँ वो तो है, मतलब इंडियन ऑफशोर के साथ में जो भी देश हैं उनके जो भी नेवीज हैं उनके साथ कंडक्ट होती है, हाँ है। और थर्ड ऑप्शन है, इट इज हेल्ड वंस इन एवरी 5 years। तो 1 and 2, ऐसा नहीं है कि ये वंस इन एवरी 5 years होता है, ये जरूरी नहीं है। और इस बार जो ये था, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ मिलान एक्सरसाइज इस बार का, तो उसका मोटो क्या था, इन परसूट ऑफ मैरिटाइम गुड ऑर्डर नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग अपैरेटस, तो वो इसका इस बार का मोटो था। और अब लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ ग्लोबल सीड वॉल्ट, ये क्या है? एक्चुअली ग्लोबल सीड वॉल्ट है जिसमें सभी जो देश हैं वो अपने अपने सीड रख देते हैं ताकि कोई बड़ी आफत के वक्त वो काम आ सके, तो वो उसका है। तो देखते हैं पहले ऑप्शंस, इट इज लोकेटेड इन ग्रीनलैंड, ओके, इट हैज़ नो ओनरशिप राइट, इट इज़ ओनली फॉर ह्यूमैनिटी एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो सेंट इन द वर्ल्ड। तो स्टेटमेंट है ओनली 3, इंडिया ने भेजा है वो सही स्टेटमेंट है, लेकिन इट्स लोकेटेड इन ग्रीनलैंड वो बिल्कुल गलत है, और इट हैज़ नो ओनरशिप राइट ये भी गलत है, क्योंकि नॉर्वे की गवर्नमेंट है वो एक्चुअली ओन करती है उस चीज़ को। तो अब मैं उसको बताता हूँ, ये ग्लोबल सीड वॉल्ट जो है वो आर्कटिक आइलैंड, एक रिमोट आर्कटिक के अंदर एक आइलैंड है जो नॉर्वेजियन आर्चिपेलागो है, उसके अंदर स्वैलबर्ड है एक जगह, तो स्वैलबर्ड के अंदर ग्लोबल सीड वॉल्ट है जो एक्चुअली नॉर्वे है वो उसको एक्चुअली ओन करता है, और उसका मोटो क्या है, ह्यूमैनिटीज अल्टीमेट फूड सिक्योरिटी, कि किसी भी मैनमेड या नेचुरल डिजास्टर के वक्त थियोरिटिकली प्रोटेक्ट करते हैं उन इस फूड वॉल्ट को, थियोरिटिकली इसे कुछ नहीं हो सकता, और वॉल्ट को क्लाइमेट चेंज जो है उसका भी अभी खतरा है एक्चुअली परमाफ्रोस्ट की वजह से, लेकिन इट्स गुड फॉर ह्यूमैनिटी। तो ऐसा, और इंडिया ने तकरीबन 9.5 करोड़ सीड्स जो हैं वो स्वेलबर्ट भेजे थे इस ग्लोबल सीड वॉल्ट के लिए। तो ये इसका आंसर है, इंडिया हैज ऑल्सो सेंड द सीड्स टू द वॉल्ट, वो है 9.5 करोड़ सीड्स। सो इस हमारे इस वीडियो के 15 क्वेश्चंस खत्म हुए, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एंड स्टे पॉजिटिव। और अगर आपके कोई भी कमेंट हो, आपको अच्छा लगा हो, आप कोई सुझाव देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपके सुझाव पर बिल्कुल काम करेंगे। थैंक यू। Hey guys,
MCQ series. Now, going towards the first question. Consider the following statement with reference to judicial review in the India. It can be done. Now, option number one. It can be done only for legislative actions, not for executive actions. Option number two. The phrase judicial review has been mentioned in Article 13. ये देखिए, ये जो आपका second number का statement है, judicial review has been mentioned in Article 13. ये गलत है, क्योंकि पूरे constitution में ये word है ही नहीं, कि judicial review है. Now third, ninth schedule is outside the pure way of judicial review. अब हमें ये बताना है, इनमें से कौन सा statement सही है. So, इनमें से एक भी statement सही नहीं है, क्योंकि अगर आप option number one देखें, तो legislative actions and not for execution, executive actions. तो ऐसा नहीं है, legislative तो है ही, लेकिन साथ में executive actions भी है. तो ये दोनों गलत हो जाते हैं. और ninth schedule is outside the purely of judicial review नहीं, ये ऐसा नहीं है. Ninth schedule ऐसा बाहर नहीं है. Judicial review को Justice Syed Shah Mohammad Qadri ने class 3 category में classify किया था. एक पहला constitutional amendment के judicial reviews, दूसरा legislation of parliament, state legislatures and subordinate legislations के reviews, और तीसरा administrative actions of state and union or authorities under the state. और इस तरह से ये जो judicial review है वो both legislative और executive actions के तहत होता है. तो ऐसा नहीं है कि बाहर से है. हालांकि जो IR कोहेलियो केस था 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल जरूर किया था कि नाइन्थ स्टेडियल के जो लॉस हैं वो ओपन टू चैलेंज हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं तो. तो इनमें से जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों गलत हैं. अब दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर. हमारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसे स्टार्ट किया गया है पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए. सो ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर करेक्ट. सो दे कैन बी परचेस्ड बाय पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है. द बॉन्ड शैल बी एनकैश्ड बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू बैंक अकाउंट विद ऑथराइज्ड बैंक. हाँ, ये भी है. और इलेक्ट्रल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड नो पेमेंट शैल बी मेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इफ द बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर एक्सपायरी. तो हाँ, इस क्वेश्चन में देखो तीनों सही है. पिछले में एक भी नहीं था, इसमें तीनों सही है. क्योंकि अगर 15 दिन के बाद आप पॉलिटिकल पार्टी को या आप इंडिविजुअल हो, अगर आप 15 दिन के बाद बॉन्ड को डिपॉजिट कराते हो तो आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के तहत. क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं. तो नेशनल इमरजेंसी के इनमें से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं. पहला, सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन एनी मैटर. ओके, अब स्टेटमेंट नंबर 2 है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट इज सस्पेंडेड. ये गलत है. हाँ, सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है और सेंटर ही वहाँ पे सब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है, लेकिन पावर सस्पेंड नहीं हो जाती. दूसरा, प्रेसिडेंट कैन नॉट इश्यू एन ऑर्डिनेंस व्हाइल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. सो ये जो स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट इश्यू, वो थोड़ा सा अलग है. क्योंकि प्रेसिडेंट इश्यू तो कर सकता है, पर हाँ, ये अलग है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल्स नहीं रहता, तो ये नहीं है. सो प्रेसिडेंट कैन इश्यू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट, हाँ, इफ पार्लियामेंट इज नॉट इज इन द सेशन. तो इसके अंदर ओनली फर्स्ट जो है कि सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन एनी मैटर, वो सही रहेगा. बाकी दोनों ऑप्शंस हमारे गलत हैं उस क्वेश्चन के अंदर. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्ड टू एनएक्टमेंट ऑफ बजट इज इनकरेक्ट. इसके अंदर है, पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, और दूसरा है कि अनलाइक अ मनी बिल फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्सेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, और नो टैक्स शैल बी लेवाइज्ड इन एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. इसमें आप सी नंबर का स्टेटमेंट देखिए, वो गलत है. मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्सेशन वो कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. वो ऐसे थोड़ी उसको लोकसभा के में ही पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है जैसे सीधा राज्यसभा में. सबसे पहला उसको लोकसभा में ही करना पड़ेगा. आपको सीधा आप राज्यसभा में ले ही नहीं जा सकते. अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट.
ये जो 42nd अमेंडमेंट है एक्ट है जो कि 1976 में आया था तो उसके प्रोविजंस क्या हैं तो एडिंग ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल है अब शिफ्टिंग ऑफ फ्यू सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट है मेकिंग अ प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट है तो ये जो है उस थर्ड नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन कि मेकिंग अ राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट है वो गलत है एडिंग अ वर्ड सोशलिस्ट इन प्रीएम्बल हां वो सही है और कुछ स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उनको कंकरेंट लिस्ट में ले गए हैं इसके सिवा कुछ नए डीपीएसपीज भी किए गए हैं और उसके सिवा फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 51A में आती है वो उनको ऐड किया गया है ये सभी सब 42nd अमेंडमेंट में किए गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे बताएं कि प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बट बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंपाइज किससे करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ बोथ ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज तो इसका आंसर है सी प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली आप स्टेट लेजिस्लेचर्स में से इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज है उसके अंदर से रहता है रेगुलर स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर्स का वहां पे वोटिंग नहीं रहता नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट द जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस नेक्स्ट प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपॉइंट कौन करता है उन्हें प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर और किसके साथ कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ या वीकनेस डिफाइन नहीं करता है और वो ये पावर डिस्क्रिशन का प्रेसिडेंट को ही देता है तो इसके अंदर सिर्फ सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो है क्योंकि उसमें गवर्नर लिखा है लेकिन एक्चुअली में प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेक द एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट 84th 91 93rd और 86th तो ऑब्वियसली 86th अमेंडमेंट है जिसके अंदर हम बताया गया था एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बताएं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन साइकिल टेस्ट लूप फैसिलिटी ये रिसेंटली न्यूज में था तो ये किससे रिलेटेड है क्लीन एनर्जी हाइपर लूप हाइड्रोजन वन या फिर स्पेस प्रोग्राम तो ये क्लीन एनर्जी के रूप में था क्योंकि इसमें करता क्या है कि वो CO2 को SO2 में सुपर क्रिटिकल करता है तो ये डिस्क्राइब करता है कि स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसका अबोव द इट्स क्रिटिकल टेंपरेचर जो कि है 31 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल प्रेशर जो कि 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऐसा ये ब्रेटन साइकिल ऐसा डिफाइन कर रहा है तो इसी वजह से ये न्यूज में था अभी अभी अब क्वेश्चन नंबर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स बिकॉज द फेडरेशन इज रिजल्ट बिटवीन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स और स्टेट्स हैव नो राइट टू सेक्सीड फ्रॉम सेक्सीड फ्रॉम फेडरेशन अब दोनों में से करना है तो देखिए फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन अमेरिकन फेडरेशन में ऐसा है कि वो एक एग्रीमेंट है और कुछ नहीं है हाँ और लेकिन ये देखिए क्वेश्चन नंबर अब स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेट्स हैव नो राइट टू सेक्सीड फ्रॉम फेडरेशन वो परफेक्ट है हाँ तो इट्स ओनली 2 नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय तो कौन करता है ये गवर्नर करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं करते ये पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास है क्योंकि गवर्नर दे आर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट तो ये उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर के अंदर अंडर में आते हैं ये नाउ एकिग्नास आर रोबस्ट क्रिएचर्स एंड फाउंड इन वेरियस एनवायरमेंट्स तो उनके लिए जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो काफी लोअर है रिगार्डिंग मैमल्स अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस
और वो फ्लक्चुएट भी रहता है 10 डिग्री सेल्सियस। अब उनके ब्लैक फीट जो है वो पॉइंटेड बैकवर्ड रहते हैं जो हेल्प द डैम बिग बर्ड्स। नाउ आप स्टेटमेंट में बताइए दे ले एक्स बट देयर यंग बट कीप देयर यंग वंस इन मदर्स पाउच। हां तो फिर इसमें से है ऑल ऑफ द ये तीनों सही है कि दे ले वो एक्स तो करते हैं ले और अपनी माँ के पाउच में रहते हैं जनरली और वो एक्टिनास को जनरली पाए कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं एक्चुअली। और हाँ वो ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैमल्स भी हैं। उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे बड़ा है जो उनके बॉडी को रिलैक्सेशन में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया है, इनिशिएटिव ऐसा है, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट इसको डिस्क्राइब करता है? सॉरी दोस्तों, तो पहला है इनिशिएटिव टू टर्न ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज इनटू पेपरलेस। नेक्स्ट इनिशिएटिव टू इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इन कंट्री। और है इनिशिएटिव टू टर्न ऑल द मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री कार्बन न्यूट्रल। और इनिशिएटिव टू सेट अप सोलर पैनल्स ऑन द मेजर रिवर्स रूट्स टू कंजर्व वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन एंड आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है इनिशिएटिव टू इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द कंट्री। क्योंकि उस ऑपरेशन ग्रीन के अंदर कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि सेट अप सोलर पैनल ऑन मेजर रिवर रूट्स या फिर टर्न ऑल द मेजर एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री कार्बन न्यूट्रल। प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है वैसे अभी अगर हम देखें तो, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। अब यूपैन जो पैनल सोलर है वो अभी अभी काफ़ी न्यूज में था। उसकी दो लार्ज नेटवर्क ऑफ अंडरवेव केव्स जो है अंडर वाटर केव्स है उसकी वजह से तो ये एक्चुअली आई कहाँ है। तो ये यूपैन पैनल सोलर आया है मैक्सिको के अंदर और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो जाइंट स्लॉट होते हैं स्लॉट्स उसके और माया सभ्यता के नाम सुना होगा माया, उसके जो गॉड हैं कॉमर्स के उनके फॉसिल्स वहाँ मिले थे। और ये युक्तन पेनिनसुला है उसमें आज से नहीं पहले भी ऐसी मोमेंटल चीज़ें मेटालिक्स मिली हैं। तो और ये जो है वो उसके नीचे एक्सटेंसिव नेटवर्क है सिंकहोल्स का जिसके जो सबटेरेन वाटर्स है उसको वहाँ पे कैनोट्स कहा जाता है जिस वहाँ पे ये इसका काफ़ी बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क है। तो ये युक्तन पेनिनसुला आया है मैक्सिको के अंदर और यहाँ पे जाइंट स्लॉट और माया के जो मायन सभ्यता है उसके जो गॉड हैं कॉमर्स के उनके फॉसिल्स मिले हैं। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एस्टिमेट्स कमिटी। जो एस्टिमेट्स कमिटी है उनमें से उसके रेफरेंस में कई स्टेटमेंट दिए हैं, तीन हमें वो देखने हैं। पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी। ये कमेटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चलाता है। हाँ तो वो है, इस कमेटी में राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस कमेटी का एक्चुअली 30 मेंबर्स होता है, तीनों 30 लोकसभा से होता है। इट्स मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द स्पीकर। ये गलत ऑप्शन है, इसके मेंबर्स स्पीकर से नहीं होते, इट्स अब जो प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने आप ही ये लोग सिलेक्ट करते हैं। और एक एग्जाम इसका बजट आफ्टर वोटिंग बाय द पार्लियामेंट। तो वन और थ्री के सही आंसर है, ये सही है कि एग्जाम करते हैं बजट को वोटिंग के बाद पार्लियामेंट के अंदर। सो आशा करता हूँ कि आपको ये पीपीटी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो भी पीपीटी वीडियो से कि हम उसमें से आपको पढ़ा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हम ऐसी और काफ़ी अच्छी वीडियोज लाएंगे। थैंक यू। Hey friends, this is Yash from KSHY Productions. We have come up with a new MCQ series, part number 7. And now we are currently moving towards the first question. That recently linking of which of the following rivers was undertaking? मतलब इनमें से कौन सा river जो दिया गया है, वो उसका linking अभी शुरू हुआ था? Options हैं कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और सोन और नर्मदा और ताप्ती।
तो इसमें से कौन सा जो दो रिवर्स हैं उनकी लिंकिंग की गई थी? तो हमारा आंसर है गोदावरी और कृष्णा। अब ये देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्या है इन दोनों रिवर्स की जो लिंकिंग हुआ। ये तो जो पट्टी सीमा प्रोजेक्ट है वो क्या करता है, गोदावरी में से जो फ्लड वाटर है ना उसको लिफ्ट करता है और कृष्णा नदी के अंदर उस जो पोलावरम है वहां पे उसको पंप कर देता है, जो कि है विजयवाड़ा में। तो इसीलिए दोनों का हुआ क्योंकि जो गोदावरी के अंदर जो फ्लड वाटर है वो काफी ज्यादा रहता है फिर, तो फिर और वो वैसे भी वेस्ट ही जा रहा है, तो उसी वजह से। और कृष्णा में कई कई जगह जो है वो वहां कम है पानी, तो इसीलिए इन दोनों का इंटरलिंकिंग किया जा रहा है। नाउ सो आंसर है हमारा गोदावरी और कृष्णा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर टू, कि खराई कैमल जो है उसके बारे में, ये जो कैमल की एक ब्रीड है उसमें यूनिक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि वो 3 किलोमीटर तक सी वाटर में स्विम कर सकता है। दूसरा है कि वो मैंग्रोव को खाता है, उसको ग्रेस करता है। और ऑप्शन नंबर तीन जो है वो है कि ये जंगलों में रहता है, वाइल्ड में रहता है और उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीन तो गलत ही है कि वो वाइल्ड में रहता है उसे डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ऑप्शन सच है कि वो मैंग्रोव को ग्रेस करता है और 3 किलोमीटर तक भी स्विम करता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। सो 1 एंड 2 ओनली, 3 है ही नहीं ऑप्शंस, वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली इन आवर कंट्री फर्स्ट टाइम एक स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कि उसका स्टेट का पर्टिकुलर बटरफ्लाई होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, अरुणाचल, हिमाचल और कर्नाटका। तो ये जो है इनमें से कौन से स्टेट ने कहा है कि हमारा स्टेट का एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई होगा? तो ये स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। कि और उसने कौन सा किया है, जो ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई है उसको अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, जो पर्टिकुलरली इंडिया और श्रीलंका में ही खास करके पाया जाता है और जनरली इंडिया में तो वेस्टर्न घाट्स में ही और कोस्टल बेल्ट्स में ही पाया जाता है। जो कोस्टल एरियाज है हमारे और वेस्टर्न घाट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसी में ये ब्लू मॉर्मोन्स पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 4, कि ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है क्या? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट और बिजनेस लीडरों को समझने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए और मैनेज करते हैं ग्रीन हाउस के गैस के एमिशंस को। दूसरा, यूएन का एक इनिशिएटिव है जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशंस को कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस किया जाए। और ऑप्शन नंबर सी है कि ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है सारे मेंबर्स कंट्रीज के बीच यूनाइटेड नेशंस के कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जाए 2022 तक में। और इट इज और ऑप्शन नंबर डी है, इट इज वन ऑफ द मल्टीलेटरल रेड इनिशिएटिव होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के अंदर वर्ल्ड बैंक है ही नहीं। दूसरा, कि ये जो इंटर गवर्नमेंटल में भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो 2022 तक स्पेसिफिकली इसकी बात करती है। तीसरा, यूएन कोई भी पैसा नहीं दे रहा फाइनेंस में ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस एमिशंस। तो ये हमारा आंसर है कि ये जो है वो 38 मीटिंग जो थी ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑफ पार्टीज टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें ये सब डिसाइड किया गया था और इसी के लिए ये न्यूज में आया था ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द ट्री स्पीसीज और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो रेड सैंडर्स है वो एक ट्री है साउथ इंडिया का और जनरली इंडिया के डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता था। तो हाँ, इट इज ट्री स्पीसीज फाउंड इन साउथ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेड। हाँ, ये न्यूज में अभी अभी इसीलिए आया था कि तिरुपति बालाजी के पास से उनकी रेड सैंडर्स की स्मगलिंग हुई थी और इसी वजह से काफी हेडलाइन में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली अवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना विच अटेन अ हाइट ऑफ 11 मीटर्स एंड हैज ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इट हैज बीन डिस्कवर्ड। तो ऑप्शन है अंडमान आइलैंड, एनामलाई फॉरेस्ट, माइकाला हिल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो हमारा आंसर है अंडमान आइलैंड्स।
जो BSI है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने ये डिस्कवर किया है, और जो है मूसा एंडरमेंटलिस है जो कि कृष्णा नाला फॉरेस्ट जो कि आइलैंड के अंदर है उससे 16 किलोमीटर अंदर की ओर आया है। तो ये रिसेंटली काफी न्यूज में था और ये बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड में है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट है और एक कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, ये न्यूज में काफी बार आ रही है, तो है क्या इसमें, मतलब किससे रिलेटेड है ये? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी है गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर सी है लिंकिंग ऑफ रिवर्स, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या। तो हमारा आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। 5 सितंबर 2015 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसने 6 जो 6 राज्य हैं हमारे जो कि वेस्टर्न घाट्स की ओर पड़ते हैं, उनको बैन कहा था कि वो वेस्टर्न घाट में सारे डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियों को बैन कर दे, और ये सजेशन गाडगिल कमेटी की थी, और कुछ ही और रंगराजन कमेटी भी थी जिसने ऐसा कहा था कि वो केरला के इलेक्शंस के वक्त हुई काफी बल्ब हुआ था, वो न्यूज में आया था, तो वो रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स की ओर से। क्वेश्चन नंबर 8 हम बताते हैं कि विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is a original World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. अब ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, Johannesburg in 2002 में है, लेकिन ये जो volunteer, ये क्या है Agenda 21, ये एक voluntarily plan है जो United Nations का है और वो 1992 में हुआ था। So 2002 ये काफ़ी गलत रहेगा, ये 1992 में हुआ था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू एग्रीमेंट ऑफ UNFCCC मीटिंग इन पेरिस इन 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये देखिए, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज और जो पेरिस क्लाइमेट काउंसिल की बात हुई थी, इसके बारे में यहाँ बात किया गया, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, तीन ऑप्शन है। द एग्रीमेंट वॉज साइन बाई ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यू एन एंड इट विल गो इंटू इफेक्ट बाई 2017। द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस एमिशंस सो दैट rise in global average temperature by the end of the century does not exceed 1.50 celsius above or 2.0 celsius above pre-industrial levels. Developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and committed to donate 1000 billion a year from 2020. ab ye dekhiye, yahan developed countries hai, developing nahi hai, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि वो 1000 बिलियन, कोई फाइनेंस की बात की ही नहीं गई थी इसमें। दूसरा कि ये 2017 से इफेक्ट में आएगा ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि कम से कम 55 कंट्रीज जब तक इसे ज्वाइन नहीं करती तब तक ये इफेक्ट में नहीं आने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि ये कहा गया था कि जब तक ये 21st सेंचुरी जब तक 21वीं सदी हमारी एंड तक नहीं आती तब तक 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए तक। लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी चला गया है, लेकिन 2 या 1.5 तक नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर है, सो 2 ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, और सेकंड ऑप्शन है अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ UN। सो देखिए, ऑल मेंबर कंट्रीज तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया, और ऑल या फिर नन का ऑप्शन भी है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बताए। तो यहाँ पे ये काफ़ी सिंपल है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च इन UN एट 2015। 11th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 by global think tank called the Club of Rome. Option number 2 है, sustainable development goals have to be achieved by 2030. तो इनमें से देखिए कौन सा सही है। देखिए 1972 में ऐसा कोई बात नहीं हुई थी, UN की 25 सितंबर 2015 को एक समिट थी और उसमें कहा गया था कि 2030 एजेंडा की बात उसी में की गई थी कि उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसमें कि है पॉवर्टी, फाइट टू इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, टैकल क्लाइमेट चेंज, वो सब थे कि जो बात किए गए थे, ऐसे 17 टोटल चीज़ें थी। द हिस्ट्री ऑफ SDGs कैन बी ट्रेस्ड इन 1972, 1972 में ये सब किया, उसकी हिस्ट्री है, लेकिन ऐसा ये जो बातें हुई थी वो 1972 में नहीं हुई थी,
ये बातें हुई थी 2015 में, और वो भी यूएन में, क्लब ऑफ रोम में तो कुछ नहीं है ऐसी ग्लोबल थिंक टैंक में। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं कि इन विच सिटीज ऑफ अवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर कंसिडर्ड नॉर्मली इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो देखिए मीथेन तो कंसिडरेशन होता नहीं है हमारा। अब ये देखना, आप याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंसिडरेशन नहीं होता, तो 1 और 5 चले जाते तो हमारे पास आंसर है 2, 3, 4, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉल्ट मार्शिश ऑफ वेस्टर्न गुजरात और वेस्टर्न घाट्स। अब ये देखिए आंसर हमारा है वेस्टर्न घाट। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी मतलब ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और ग्रेट हॉर्नबिल्स कहाँ पाए कहाँ जाते हैं? तो ग्रेट हॉर्नबिल्स जो है नेपाल, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, आइलैंड ऑफ सुमात्रा, यहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाए जाते हैं। तो और वैसे भी जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना हमारे वेस्टर्न घाट्स का, उसी की वजह से हम इसे लूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है वेस्टर्न घाट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंट बेनिफिट्स एंड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट्स, देयरफॉर थेरबाय इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग, लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू enhance agricultural output so as to ensure food security, or restoring and enhancing the forest cover and responding to climate change by combination of adaptation and mitigation measures. तो जो हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि देखिए ग्रीन इंडिया मिशन के जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है उसके अंदर कहीं भी फाइनेंस और बजट के अंदर की बातें ही है ही नहीं, और जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर सिर्फ फॉरेस्ट कवर जो डिमिनिश काफ़ी स्पीड से हो रहा है उसे बढ़ाने की बातें की गई है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात इसके अंदर नहीं है। हाँ, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बातें तो चल रही हैं, लेकिन ये जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है वो उसके अंदर तो नहीं है, ग्रीन इंडिया मिशन में। सो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म समटाइम्स, ये जो न्यूज़ में ऐसा कई बार आता है, एनेक्स वन कंट्रीज जो है कार्टेगना प्रोटोकॉल, दूसरा सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस है नागोया प्रोटोकॉल, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे ये देखिए जो एनेक्स वन कंट्रीज हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस हैं, ये दोनों ही क्योटो प्रोटोकॉल में ही हैं, नागोटा प्रोटोकॉल और कार्टेगना प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन है, वो तीनों तीन सिर्फ और सिर्फ मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में ही यूज किए गए थे। तो हमारा ऑप्शन है सी ओनली, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं वो गलत हैं प्रोटोकॉल्स, ऐसा कोई है ही नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को जो यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं उनको कहिए कि यहाँ पे ऐसे एमसीक्यू सीरीज आती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एमसीक्यू सीरीज में, जो कि 8वां एमसीक्यू सीरीज है यूपीएससी का, मोस्ट एमसीक्यू सीरीज। आपने अगर 1 से 7 एमसीक्यू सीरीज नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए आप, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ते हैं। हु रिप्रेजेंटेटेड इंडिया एट द शिकागो कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियंस इन 1893? तो 1893 में जो शिकागो कॉन्फ्रेंस थी उसमें किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद ने रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 2, द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड वाज प्रोपाउंडेड बाय? सो ये किसने प्रोपाउंड किया था, सवाल ये है। सो आपको बता दूं पहले कि इकोनॉमिकल ड्रेन जो बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है, कि इंडिया की ऐसी संपत्ति जो इंडिया के लोगों के लिए ही नहीं है। सो वो किसने ऐसा लॉजिक लाया था कि ब्रिटिश लोग हमारी जो संपत्ति है उसको ले जा रहे हैं और इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं करा रहे? सो वो थे दादाभाई नवरोजी साहब। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
सो आपको दिख रहा होगा कि शोर टेम्पल में बताया गया कि पल्लवास महाबलीपुरम जो कि सही है, कैलाश टेम्पल ऑफ द इलोरा सो वो है राष्ट्रकूटस इलोरा सो वो भी सही है, एंड खजुराहो टेम्पल जो चंडेला में है सो तीनों के तीनों सही है कि तीनों के तीनों टेम्पल उसके जो लोकेशन बताई गई है आपको ऐसे ही वह लोकेशन को कंफ्यूज करने के आपको कंफ्यूज करने के लिए लोकेशन इंटरचेंज हो सकती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन अ ईयर ऑफ 1911। 1911 में हमारी जो कैपिटल थी वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जी को कहा जाता है फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित किया था इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय ए ओ ह्यूमन साहब एलान ऑक्टवियन ह्यूमे, तो उन्होंने अपनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकम ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1905 एंड 1906 सो इसके अंदर आपका जो नेशनल मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी इन सत्याग्रह टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का वो एक्सपीरियंस कराया था। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड द रिजल्ट वॉज दैट, सो क्या रिजल्ट था उसका, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रिजल्ट था उसका कि गांधी जी ने वो विड्रॉ किया था मोमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश द ट्रेड लिंक विद द इंडिया वॉज पोर्टुगीज, इंडिया में सबसे पहले ट्रेड लिंक किसने एस्टैब्लिश की थी, पोर्टुगीज। क्वेश्चन नंबर 11, द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज मेड बाय द मुस्लिम लीग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1914, हमारा देश आजाद हुआ उसके 7 साल पहले ही वो डिमांड की जा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड, सो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि लिबरेशन ऑफ गोवा 1961 जो कि सही है, डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो 1966 दिखाया गया है लेकिन वो गलत है, 1964 में डेथ हो गई थी जवाहरलाल नेहरू जी की 27 मई को, इंडो चाइना वॉर 1962 सही है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1950 सही है, सो बी ऑप्शन जो कि सही नहीं है जो 1966 की जगह 1964 में मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, आपको यहाँ पे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, सो यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड डेलाउसी जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया था, देन लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनका सही कनेक्शन है प्रोहिबिशन ऑफ सैटी, लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि हमने अभी देखा, लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल, सो इसका आंसर आता है ये कि जिसमें सही से आप लिंक कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द रॉन्गली मैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग इज गांधी जी दांडी मार्च, सही है, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मोमेंट जो सही नहीं है क्योंकि खिलाफत मोमेंट थी उसमें शौकत अली मोहम्मद अली जवर एंड अबुल कलाम थे, तीसरा नंबर है सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ सही है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है, सो बी ऑप्शन सही नहीं है, उसका खिलाफत मोमेंट के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का कोई ताल्लुकत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग आर द इवेंट्स इन नेशनल मूवमेंट, सो नेशनल मूवमेंट में कुछ इवेंट्स है हमारे कि चंपारण सत्याग्रह था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट थी, डांडी मार्च थी, तो इनको सही आंख में आयोजित करना है, मतलब कि पहले से लेके अंत तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, सो सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद हुआ था डांडी मार्च और लास्ट में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट क्योंकि आखिरी मूवमेंट था हमारी आज़ादी से पहले। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप हमारी जो चैनल है बेस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन,
उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। कमेंट में अपने सुझाव डालिए और उसके साथ ऐसे क्वेश्चन भी डालिए जिसका हम आंसर अच्छे से दे पाए। तो वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड पूरा का पूरा हमने MCQ का सीरीज बनाया हुआ है, आप उसको देखते रहिए। और उसी के साथ बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में UPSC MCQ सीरीज के 9वें पार्ट में, जिसमें 15 क्वेश्चन फिर से कवर करेंगे। सो 15 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था, तो जो यहाँ पे ए का चौथा कहाँ पे है, तो डी ऑप्शन है। तो आप उसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने MCQ, किसी भी चार में से अगर एक चीज़ भी आपको पता है तो आप इसको इजीली मार्क्स ले सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, न्यूज़पेपर पब्लिशर एडिटर। तो यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है डिटेल, उसमें से एक भी डिटेल सही नहीं है, क्योंकि आपको जो भी यहाँ पे बताया गया, लीडर एनी बेसेंट, चिंतामणि, यंग इंडिया, एरोबिंदु घोष, ये जो तीनों की तीनों आपको बताई गई है, युगांतर का सी है चिंतामणि जो कि नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो नन ऑफ द करेक्ट। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, What type of trade is being undertaken by the India with East European countries? तो East European जो countries है उसके साथ India द्वारा barter trade initiate किया गया था, तो जो barter trade है वो undertaken किया गया था। Question number 4, Who was the leader of the depressed class in the pre-independence period? Pre-independence period में depressed class का leader कौन था, किसको बनाया गया था, तो वो थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महात्मा गांधी इज करेक्ट इन कनेक्शन विद द इंडियाज इंडिपेंडेंट। तो ही वॉज अ वेरी डिसिलुजन्ड मैन। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है डिसिलुजन्ड, इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह का जो अंग्रेजों के द्वारा मानसिकता जो बनाई जा रही थी उससे बिल्कुल भिन्न थे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी देश की स्वतंत्रता पे था। तो जो गांधी जी थे वो एक डिसिलुजन्ड मैन थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, द फॉलोइंग स्टेट वर क्रिएटेड आफ्टर 1916। तो इसको एक क्रम में बताइए। तो सबसे पहले नागालैंड स्टेट बना था हमारा, उसके बाद हरियाणा बना था, उसके बाद मेघालय बना था, और उसके बाद सिक्किम बना था। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द 19th सेंचुरी द पीपल हु पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट वर मोस्टली द एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। क्वेश्चन नंबर 8, रूइंस ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी सीन एट हम्पी। तो विजयनगर के जो भी प्राचीन अभी जो भी चीजें हैं वो आपको हम्पी पे देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडू वैली सिविलाइजेशन। तो वो लोग जो जली हुई मिट्टी है उससे ईट बनाते थे, तो यूज ऑफ बर्न्ड वुड ब्रिक्स। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सही है, एनिवेशन होम रूल सही है, गांधी जी दांडी मार्च वो भी सही है। तो यहाँ पे कोई भी चीज गलत नहीं, तो नन ऑफ दी सबो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बैटल पानीपत की हुई थी जो कि 1526 में हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ तरेन जो सबसे पहले हुई थी, यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें से वो 12वीं सदी में हुई थी, 12वीं सदी में आंसर पहले मतलब 1192 में हुई थी। फिर तीसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आपको पता होगा 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। तो इस तरह से सबसे पहले बी हुआ था जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उसके बाद
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी और लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पेंटिंग ऑफ द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड की पेंटिंग के लिए क्या सही नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है रिलीजियस सीन वर डेप्रिसिएटेड, मतलब कि धार्मिक चित्रों को, धार्मिक दृश्यों को चित्रित किया गया था। हाँ, किया गया था, सही है। फिर सीन ऑफ नेचर वॉज डिपिक्टेड, तो प्रकृति के दृश्य को भी चित्रित किया गया था। तीसरा जो है कॉट एंड कल्चरल सीन्स वर डिपिक्टेड टू बैलेंस कम्युनल हारमोनी, तो कॉट और सांस्कृतिक दृश्य को सांप्रदायिक संभाव को संतुलित करने के लिए चित्रित किया गया था, जो कि हमें नहीं मिल रहा है, वो गलत है, वो चित्रित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। सीन नंबर डी जो लेते देख लेते, सीन्स ऑफ बैटल वर डिपिक्टेड, तो लड़ाई के दृश्य को चित्रित किया गया था। जी हाँ बिल्कुल, लड़ाई के दृश्य को भी चित्रित किया गया था मुगल साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज पार्टी वॉज एस्टेब्लिश टू, सी ऑप्शन है टू एंटर द काउंसिल एंड रैक द गवर्नमेंट फ्रॉम विदिन, मतलब कि जो परिषद है उनमें प्रवेश करना और सरकार को भीतर से खोखला करना, उसके लिए स्वराज पार्टी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो इसका आंसर है दिस पेव्ड द वे फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया था, जो हमारी बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसमें। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल मूवमेंट, तो होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, हर लेवल पे सेल्फ ऑफ गवर्नमेंट लाना, वही था होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश फ्रॉम केशवाय प्रोडक्शंस एंड हियर वी हैव कम विद द न्यू एमसीक्यू सीरीज एपिसोड ऑफ द आवर एमसीक्यू सीरीज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यू, वी हैव अ फर्स्ट एमसीक्यू, इट इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव द ऑप्शंस लाइक ए Krishna Deva Rai, and here the its other side of it is construction of the road and the land reforms. B is Haider Ali, and the number 2 is poems in Telugu. C is Afghan Anthrax, and 3 is Mysore Wars. D is Sir Shah, and 4 is construction of the dam. So which of the following is correct answer? So now देखिए, जो Haider Ali है वो हमें पता है कि टिप्पू सुल्तान का बेटा है, और तो टिप्पू सुल्तान कहाँ का है? तो माइसोर वॉर्स। तो हम देखिए बी को 3 से रिलेट कर देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपको सीधा सिंपल से आंसर मिल जाता है कि ऐसा बी में ही है कि A2 B3 C4 D1, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई भी सिंगल लिंक मिल जाता है तो आपके साथ पास सीधा आंसर आ जाता है कि दूसरा है कृष्ण देव राय, मतलब वो उन्होंने लिखी है पोएम्स तेलुगु के अंदर। फिर अफगान एंड तुर्क्स, उन्होंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम एंड आर्जिस, और शेर शाह सूरी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और लैंड रिफॉर्म्स। आपको मतलब चारों में से कोई भी एक आ जाता है तो भी कोई बात नहीं, हम कर देंगे। मतलब एक आता है तो लिंक पकड़, लेकिन आपको क्या है लिंक पकड़नी रहेगी। आपके खास याद रखना कि हैदर अली है वो टिप्पू सुल्तान का बेटा है, और दोनों माइसोर से बिलोंग करते हैं, उनकी वो उनका वंश माइसोर में था और वहाँ के वो किंग थे। दूसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग की, देखते हैं ए है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी है बाल गंगाधर तिलक, फिर बी में है इंडिया होम रूल लीग, उसमें उसका नंबर 2 पर है राजा राम मोहन रॉय, सी में है मॉडरेट लीडर, डी में है महात्मा गांधी, डी में है ब्रह्मो समाज, और 4 में है जी के गोखले। तब देखते हैं, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि क्या है। तो अगर हम देखें तो, और उसका आप सबको पता होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है महात्मा गांधी का, तो उसमें फिर एक ही है A3, तो A3 के बाद देखें इसमें भी सेम रह जा रहा है कि ये सबसे अलग ही पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा सिंगल ऑप्शन है कि जिसमें ए में 3 है, और अगर आपको ये नहीं पता है तो इंडिया होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने किया था, मॉडरेट लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ब्रह्मो समाज काम था राजा राम मोहन रॉय का। तो इसमें से 2 ऑप्शंस काफी इजी हैं, महात्मा गांधी और राजा राम मोहन रॉय, बाकी दोनों शायद आपको हार्ड पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा टाइम और कंसिस्टेंसी के साथ साथ। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो ये आपका रिपीट होगा और इसी वजह से याद हो जाएगा। तो आंसर है
A3, B1, C4, D2. क्वेश्चन नंबर 3 भी है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये में है आमिर खुसरो। तो ये देखिए ये सारा टाइम स्पेन दिया है, तो आमिर खुसरो के साथ 14th सेंचुरी लिखी है, कबीर के साथ 13th, सी अबू फैजल के साथ 15th, और तुकाराम के सामने 16th, और एक एक्स्ट्रा दिया है 17th सेंचुरी। तो देखिए आमिर खुसरो कौन सी सेंचुरी में था, तो 13th सेंचुरी में था। दूसरा है कबीर, कबीर कौन सी सेंचुरी में थे, तो 15th सेंचुरी में। सी है अबू फैजल, तो वो कौन सी सेंचुरी में थे, तो 16th सेंचुरी में। टुकाराम 17th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी के अंदर उनमें से कोई भी नहीं था, तो ये हमारा ऑप्शन वन गलत है, 14th सेंचुरी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे पढ़ते हैं, तो इसमें भी है मैच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रीडम ऑफ द मिडनाइट, ये किसने लिखा था, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपेरी। फिर है 1984 जो बी ऑप्शन है, फिर सी है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, और डी है सॉन्ग ऑफ द इंडिया। तो ये देखते हैं इनमें से कौन सी किताब किसने लिखी थी। तो ये जो फ्रीडम ऑफ द मिडनाइट है वो लिखा था लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपेरे, इन्होंने लिखा था। फिर बी जो है 1984 ये लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। फिर सी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ वो लिखा था महात्मा गांधी ने, और ये जो डी है सॉन्ग ऑफ इंडिया वो सरोजिनी नायडू ने लिखा था। इनमें से देखिए ये एक इजी है, काफ़ी इजीली है, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, वो महात्मा गांधी आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो फिर आप उसी कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सी के अंदर 3 सिर्फ एक ही के में है, जो सी है उसके अंदर एक जो है उसी में है कि ये किस जो माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ है, ये ऑप्शन में आप देख रहे हैं उसमें है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, वो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये है राजेंद्र प्रसाद, बी दिलीप मुखर्जी, सी एस एन बैनर्जी और डी महात्मा गांधी। और उनके सामने जो लिस्ट दी गई है उसमें है नेशन इन मेकिंग, इंडिया डिवाइडेड, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ और 4 द टेररिस्ट। अभी देखिए फिर से ये रिपीट हो रहा है, महात्मा गांधी और माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, तो ये इजी है कि डी में 3 आएगा। तो अब ये देखते हैं डी में 3 किस में है, तो सिर्फ सी ऑप्शन के अंदर है। तो और फिर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा था, इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी ने लिखा था द टेररिस्ट, एस एन बैनर्जी ने लिखा था द नेशन, अ नेशन इन द मेकिंग, और एन मैम के गांधी का आपको पता है, महात्मा गांधी का माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, विद राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एनेक्सेशन बाय ब्रिटिशर्स, मतलब कौन सी सीक्वेंस में ब्रिटिशों ने इन सभी राज्यों को एनेक्स किया था। सबसे पहले पंजाब, फिर है औध और फिर है अपर बर्मा। ठीक है, पंजाब सबसे पहले जो ब्रिटिशरों ने किया था, औध वो थोड़ा सा साइड में रह जाता है, तो वहाँ उनका राज बाद में आया था, क्योंकि सेंट्रल और मिडल ईस्टर्न जो हमारे एरिया है, सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मिडल ईस्टर्न इंडिया जो यूपी बिहार साइड है, फिर अभी का जो हमारा पंजाब एरिया है, नॉर्दर्न राजस्थान है, वहाँ पे ब्रिटिश राज एकदम ईजीली से फैल गया था। तो हमारा आंसर है पहला है पंजाब, फिर है औध और थर्ड है अपर बर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के आगे बढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी में के अंदर से रीजनल पावर बनाने में सबसे कौन, मतलब मेन इंसान कौन था, लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक का कि लॉर्ड क्लाइव ही थे वो इंसान, उन्होंने एक्चुअली, अब लॉर्ड तो अलग बात है लेकिन वो लॉर्ड क्लाइव ही थे जिन्होंने ये किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी उनको उन्होंने पावर के रूप में प्रोजेक्ट किया था, पावर प्रोजेक्शन का काम उन्होंने किया था। फिर मौर्य डायनेस्टी के मेन फीचर्स कौन से थे, एजुकेशन वाज वाइड स्प्रेड, टेररिस्ट वर ड्रिवन आउट ऑफ सिंध एंड पंजाब। तो ये देखिए इसमें उस वक्त टेररिस्ट की बात कहाँ से आती है, तो ये ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है, रिमूवल ऑफ लैंड टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा होगा तो मौर्य डायनेस्टी के अंदर एक सबसे बड़ा फीचर है कि जनपद और महाजनपद, तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एजुकेशन मौर्य डायनेस्टी यहाँ पे क्योंकि कहा नहीं गया कि मौर्य डायनेस्टी में कहाँ, क्योंकि एजुकेशन था लेकिन अशोक ने कुछ चीज़ें शुरू की थी, तो फिर वहाँ बिंदुसार की बात आती है। मौर्य डायनेस्टी मतलब सिर्फ अशोक नहीं रहते, बिंदुसार है, फिर अशोक है, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके भी बेटे जो आते हैं, तो सभी में के अंदर एजुकेशन वॉज वाइड स्प्रेड ऐसा नहीं है, और ना ही रिमूवल ऑफ लैंड टैक्स था उस वक्त, उस लैंड टैक्स को फर्स्ट टाइम रिमूव किया ही नहीं गया था ऐसा।
तो हमारा आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब 9 की ओर क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फाउंड किया था, तो हमारा आंसर है विलियम जोन्स। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया तो ऑप्शन में एकदम गलत है, लॉर्ड क्लाइव। वो सिर्फ मतलब उन्होंने जो किया था वो था कि ब्रिटिश पावर को यहाँ पे शुरू किया था, और वॉरेन हेस्टिंग ने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो ये शुरू किसने किया था, विलियम जोन्स ने। फिर एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में हमें दिखाने हैं, पहला है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डालदाबाद, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन नंबर सी है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो हमारे आंसर है सबसे पहला हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तराइन, फिर दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डालदाबाद, और उसके बाद पहली बैटल हुई थी पानीपत की, सेकंड बैटल ऑफ तराइन सबसे पहले हुआ था। अब हमारा फिर 11वां क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर, तब सबको पता है बलूचिस्तान सिंध पंजाब और कश्मीर में हुआ था, वहां बीच में ना अफगानिस्तान आता है, और अगर हम ऑप्शन में बी की ओर देखते हैं तो वहां पे बलूचिस्तान है ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बलूचिस्तान में भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम ऑप्शन नंबर सी की ओर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि फिर से देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो पूरी, जगन्नाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल्स और कुतुब मीनार, इनमें से कौन सा सबसे पहले बना था, तो सबसे पहले बना था महाबलीपुरम टेम्पल, उसके बाद पूरी जगन्नाथ टेम्पल, उसके बाद कुतुब मीनार, और उसके बाद मीना लक्ष्मी टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसमें देखना है कि ये सही है या पहले इसका, देखिए सबसे पहले ये पहला ये देखना है कि सही है या गलत है, और दूसरा एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है, ये दोनों देखना है, एसर्शन सही है और रीजन भी सही है, दोनों सही होने चाहिए, ये देखना है हमें। तो एसर्शन है रिवोल्ट ऑफ 1857 फील्ड, ये हाँ ये बिल्कुल सही है, और दूसरा कि इट लैक द एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिट्री पावर, वो बिल्कुल सही है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एडिक्वेट किया ही नहीं था ना इन लोगों ने, इसीलिए तो हमारा फेलियर हुआ था 1857 के रिवोल्ट में। तो दोनों सही है, हमारा ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब वो कई क्वेश्चन में क्या होगा कि आर करेक्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशंस में अलग रहता है। फिर सेम कैटेगरी का दूसरा क्वेश्चन है ये जो हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन हमें क्या दिखाता है कि एसर्शन, देखिए ये एसर्शन वाला ही क्वेश्चन है, इन 1946 इन बॉम्बे द रेटिंग ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, रेटिंग्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी रोज ओपन इन ओपन म्यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश, और उसका रीजन जो दिया है कि रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइंट INA, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि INA जो इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुपरसेड था उसने फाउंड की थी, उसको रॉयल इंडियन नेवी ने ज्वाइन ही नहीं किया था, ये जो रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी ब्रिटिशों के खिलाफ की थी उसका और INA का कोई रिलेशन नहीं था, वो उनका एक डिस्कंटेंट था रॉयल इंडियन नेवी का जिसकी वजह से उन्होंने म्यूटिनी शुरू की थी। तो ये तो करेक्ट है, हमारा एसर्शन सही है लेकिन उसका रीजन गलत है, तो देखिए ए इज करेक्ट और बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है ऐसा हमारा। और अब आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, एक और एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये कि आवर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज स्मॉल इवन आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और उसका रीजन क्या दिया है, लैंड रिफॉर्म मेजर्स आर नॉट कैरिड अप टू द मार्क। देखिए हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट काफ़ी कम है क्योंकि हमारा देश कितना बड़ा है, और उसके बाद भी काफ़ी प्लानिंग भी करती है हमारी गवर्नमेंट, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी दे रही है कि आप ग्रीन हाउस करिए और काफ़ी सब करिए, आपको फर्टिलाइजर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हो रहा है खर्चा, सरकार काफ़ी सब्सिडी दे रही है, आपको खेती के लिए भी काफ़ी सब्सिडी मिल सकती है, तो मतलब सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, प्लानिंग करती है, फिर भी हमारा ग्रोथ रेट कम है, मतलब एसर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। रीजंस देखिए, लैंड रिफॉर्म मेजर्स आर नॉट कैरिड अप टू द मार्क, ये सही है क्योंकि लैंड रिफॉर्म मेजर्स जो है वो हम सही से नहीं लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो ए एन आर बोथ आर करेक्ट एंड एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आज की MCQ सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, सो बी पॉजिटिव फॉर क्लियरिंग द UPSC एंड स्टे ट्यून्ड, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं, कोई भी मतलब सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज नीचे लिखिए। Thank you.